नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हर हफ्ते की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्रश्न आते हैं, मैं उसके उत्तर देता हूँ। तो एक कुतूहल दोनों तरफ से बनता है कि अब अगले हफ्ते ऐसा क्या करना है जिससे आपको मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे के प्रमुदित कर सकूँ, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही है कि हमें वो जानकारी मिले जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और बिना लाग लपेट के मिले, बिना व्यावसायिकता के मिले। दिल खोल कर बात करने का ये जो मंच है, ये सदा बना रहे। इसी प्रयास की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हर जगह परिवर्तन की आंधी आई हुई है। पड़ोस में बड़ी दुखद परिस्थिति है कि हमारे भाई बंधु बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी आंधी हिंदुस्तान में भी आ सकती है, पर ये तो राजनीतिक बातें हैं। हम तो स्वास्थ्य प्रहरी हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसी आंधी आपके जीवन में आ चुकी है जिसके झंझावात की तरह, आपके जो गहरे वृक्ष की तरह आप अपनी जड़ें मजबूत करके खड़े हुए थे, उसे ढीली कर रही है। दीमक लग रही है आपकी जड़ों पर, तना आपका खोखला होता जा रहा है। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मधुमेह के बारे में। मधुमेह की आंधी हिंदुस्तान में हर 100 में से 10 लोगों को है। आप नीचे जाएंगे दक्षिण भारत में तो 100 में से 20 लोगों को मधुमेह की आंधी अपने चपेट में ले चुकी है। इसमें भी ऐसे लोग हैं जिनको आप प्री डायबिटिक स्टेटस में बोलें, जिनको मधुमेह अभी हुआ नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से अभी मधुमेह नहीं हुआ है, पर जिनमें होने की बड़ी बहुत ही ज़्यादा आशंका है, वहाँ पे भी अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो यह दायरा 20-30% हो जाएगा। अगर 100 में से 30 लोग किसी चीज़ से आहत हैं तो उसको आंधी ही बोलेंगे, तूफान ही बोलेंगे, ऐसा झंझावात बोलेंगे जो हमारे जड़ों को बिल्कुल ढीला कर रहा है। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या 7 संकेत हैं जिसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा अभी से सचेत हो जाएं तो मधुमेह होने की संभावना कम हो जाएगी। तो क्यों ना इन्हीं बातों में बात किया जाए, क्योंकि आने वाला कल अगर मजबूत होगा तो ही वो वर्तमान ही डिसाइड करेगा कि कल कैसे मजबूत होगा। तो हम अपनी बुनियाद को मजबूत बनाएं, अपनी जड़ों पे काम करें। तो कौन सी ये 7 बातें हैं जिसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? बहुत ही साधारण बातें हैं। आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये तो हमें मालूम थी, पर मैं हमेशा उन्हीं बातों पे जो गौर करता हूँ, उन्हीं बातों पे जोर देता हूँ, उन्हीं बातों पे मेरा बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो सरल होती हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाइयाँ कठिन हो ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज है शिथिल जीवन शैली। आप जीवन चलायमान हैं, आप देखिए सूरज उगता है तो डूब जाता है, फिर दूसरे दिन फिर उगता है, नदियाँ बहती रहती हैं, हवा बहती रहती है, आपके दिल की धड़कनें रुकती नहीं हैं, फिर आप कैसे रुक सकते हैं? आप कैसे एक जैसे एक ही तरह का व्यवहार करके एक ही तरह की जीवन शैली में, जहां ना व्यायाम है, ना जहां कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज है, ना दौड़ भाग है, आप केवल आराम से अपने जीवन को व्यतीत कैसे कर सकते हैं? आपको भी झरने की तरह बहना पड़ेगा, आपको भी पवन की तरह हवा में उड़ना पड़ेगा, आपको भी सूर्य की तरह दिन और रात में परिवर्तित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में आपको एक ही कुंजी है, वह है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो जीवन शैली में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जीवन शैली में यह ज़रूरी है कि आप कम से कम 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते भर में करें। व्यायाम कैसा? 75 मिनट ऐसा व्यायाम जो कि बहुत कम इंटेंसिटी का हो, जिसमें ऐसा ना हो कि हृदय की धड़कन 150-60 चली जाए। और 75 मिनट का व्यायाम अगर स्वास्थ्य आपको साथ दे, आपको हृदय रोग नहीं है, कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, तो 75 मिनट का व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि हृदय की गतियां बढ़ें, अपनी सीमाएं पार करें, पसीना पसीना हो जाए, थकान हो। तो हफ्ते में 150 मिनट क्या आप मेरे लिए नहीं निकाल सकते? ये आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 150 मिनट है आप नहीं दे रहे हो, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। लोग बोलेंगे साहब जीवन शैली हमारी ऐसी है
कि आपाधापी में समय ही नहीं मिलता। कल मैं कुछ एक थाने में भी गया था, तो क्या है कि मैं शनिवार के दिन अपना समय बिल्कुल खाली रखता हूँ शाम के समय, और कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से जाता हूँ। तो कल मुझे एक थाने में जाने का अवसर मिला, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे जीवन के प्रहरी हैं, और एक स्वास्थ्य प्रहरी और जीवन के प्रहरी का आपस में वार्तालाप बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ पर भी बहुतों को मधुमेह निकला, बहुतों को मोटापा निकला, बहुतों को थायराइड की प्रॉब्लम थी। आपाधापी में जीवन शैली में कहीं ना कहीं हमने पूछ ही लिया कि कितने लोग पैदल चलकर थाने आते हैं, हाथ एक का भी नहीं उठा मित्रों। मैंने पूछा कितने लोगों को का घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो बहुत लोगों के हाथ उठ गए। तो मैंने कहा पैदल क्यों नहीं आते, तो उनका कहना था कि हमारा रुतबा कम हो जाएगा, लोग हमें हल्के से लेने लग जाएंगे। तो देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं जीवन शैली के रास्ते में आपकी सोच रोड़ा बन रही है। तो आपको पैदल चल के आना चाहिए, आपको साइकिल चलाना चाहिए, आपको दिन भर चलायमान होना चाहिए, और जिनका व्यस्त जीवन है उनके लिए तो जरूरी है कि अपने कार्यस्थल पे आने जाने का मार्ग और एक बहुत अच्छा माध्यम रखें जो कि आपके पैरों से हो, चल कदमी करके पहुंच जाएं या साइकिल से पहुंच जाएं, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कार्यस्थल बहुत दूर है। उनको मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सरसाइज स्नैकिंग, अगर आप बंद कमरे में काम करते हैं तो थोड़े से काम से जब उकता गए तो जंपिंग जैक्स कर लिया, फिर से वापस काम पे आ गए। आपने बर्पीस कर लिया, फिर से वापस काम पे आ गए। कुछ लोग पुशअप्स कर सकते हैं, कुछ लोग सिटअप्स कर सकते हैं, सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों में ही 8-10 बार ऊपर नीचे हो गए। तो ये जीवन शैली में परिवर्तन लेकर आएगा, और आप झरने की तरह निरंतर बहते रहेंगे तो पानी जीवन का रुकेगा नहीं। आपको मालूम ही है मित्रों, अगर जीवन का पानी रुक जाए तो वो सड़ने लग जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लग जाएंगे और शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएगी। तो है ना कमाल की बात, जीवन शैली सबसे पहला शत्रु है, शिथिल जीवन शैली। जीवन शैली को चलायमान बनाइए, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है। तो जब लाइफस्टाइल की बात हो गई, उसके बाद ऐसी क्या चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी ला रही है, तो वो है खानपान। खानपान के बारे में हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम अपने पारंपरिक भोजन को गाहे बगाहे किसी कारणवश या काम के बोझ में, या कह सकते हैं बहती हुई परिवर्तन की हवा में, हम उसे छोटा या ओछा मानने लगे हैं। पर मित्रों, जो आपके पारंपरिक भोजन है, जो आपके दादा नानी ने खाया है, जो आपकी मम्मी पकाती हैं, वो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा भोजन है। पर क्या होता है कि आज की आपाधापी में सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाओ, पता चला आपकी श्रीमती जी भी वर्किंग है, तो क्या होता है घर में खाना बनता ही नहीं है। तो वो एक जमाना था जब टिफिन लेकर जाते थे, और ऐसे कई आपने चलचित्रों में भी देखा होगा कि लोग ध्यान रखते थे, अरे वाह आपका टिफिन तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे टिफिन वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, जिनके टिफिन देखकर लोग लार टपकाते थे। तो क्या होता है कि बहुत से तो ऑफिसेस में ही खाना दिया जाता है महानगरों में, और कई जगह ये भी व्यवस्था नहीं होती, तो उनको ठेलों पर जाना पड़ता है, कचौड़ी समोसा चाट ये उनका भोजन हो जाता है। तो ऐसे कई स्थानों पर मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि कितने लोगों का भोजन चाट कचौड़ी समोसा होता है, तो बहुत लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपका चाट पकौड़ी बनाने वाला पहली बार जब तलता है उसके बाद तेल बदल देता है क्या? तो बोलते साहब ऐसा थोड़ा होता है, वो 8-10 दिन तेल चलता होगा, उसी तेल में गर्म होता है, फिर समोसा निकलता है, फिर चाट निकलती है, फिर कचौड़ी निकलती है। तो मैंने कहा आपको फिर ज्ञान होना चाहिए ट्रांस फैट का, जो ट्रांस फैट है इसी तरह के तेल में पैदा होता है और ये खाने में आ जाता है। तो ट्रांस फैट आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है, जिससे मधुमेह होता है, हृदय रोग होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और आपकी यह लीला समाप्त होने लगती है। अत्यधिक मीठा बनाना, अत्यधिक तला भुना बनाना, चटपटा बनाना, चरपरा बनाना जरूरी है, व्यावसायिकता इसके बगैर चली नहीं सकती। इसलिए जो पैक्ड आइटम्स हैं, जो ट्रेंड आइटम्स हैं, जो प्रोसेस फूड हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से आपने कुछ ऐसी प्रक्रिया करी है कि लंबे समय तक वो रहे, खराब ना हो, ऐसे खाने आजकल बहुत बिक रहे हैं। सुबह सुबह मैं वन विहार में दौड़ने जाता हूँ, तो वन विहार में भी
पहले ऐसी दुकानें नहीं थी। अब आप देखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, पर ऐसे चाइनीज खाने की बहुत सारी दुकानें लग गई हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा। सुबह सुबह 6 बजे युवा मुझे लगता है कि दौड़ने आए होंगे, भागने आए होंगे, कसरत करने आए होंगे, वो ये चाइनीज डिशेस खाने आते हैं। और इनमें अजीनोमोटो सॉल्ट और क्या क्या होता है, बहुत सारी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सब चीजें हार्मोन की बीमारी को ट्रिगर करते हैं। ये वो है जो एक ऐसा हथगोले का ट्रिगर है कि जब आप हटाई है तो फटेगा ही। तो ये चीजें आपके भोपाल में भी देखने मिल रही हैं। तो ये जो खान पान जीवन शैली के साथ जो खान पान का परिवर्तन, ऐसा करिए कि रेशेदार चीजें बढ़ें। फल लेना है तो जूस मत लीजिए, साबुत फल लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने फलों को मीठा इसलिए बनाया है क्योंकि वो आपको मिठास नहीं देना चाहते, वो आपको चाहते हैं कि जो फलों में रेशा है ना वो आपके शरीर में जाए, जो कि ईश्वर प्रदत्त है। पर आप उस चीज को गलत ही पढ़ लेते हैं, आप फलों को उसका जूस निकाल लेते हैं और रेशा फेंक देते हैं। रेशा बहुत जरूरी है क्योंकि वसा, फैट, कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब चीजों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। और जो पेट के माइक्रो गट माइक्रोबायोटा है, जो कि ऐसे कीटाणु हैं जिनसे आपका हमेशा एक अच्छा समन्वय होना जरूरी है, उनको बढ़ाएगा। तो जो भोजन है वो ऐसा लीजिए जो कम तला भुना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 से 60% के आसपास हो, प्रोटीन आप बढ़ाइए और बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। क्या होता है, आजकल आप मोबाइल में डायल करते हैं और तुरंत खाना आ जाता है, और जो मोबाइल में खाने को भेजने की सुविधा है उनको भी ऐसा ही खाना बनाना पड़ेगा जो जबान पे लगते ही आपको गुलाम बना ले, जो जबान पे ही लगते ही अगली बार आपके जबान पे नहीं आया तो आपको उसकी इच्छा होने लग जाए। कहते हैं ना क्रेविंग, तो ये क्रेविंग जिस खाने की हो वो आपके शरीर के लिए अच्छा प्रायः नहीं होता। तो जो ये खान पान है और जीवन शैली, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी ऐसी क्या बात है जो आपको मधुमेह की तरफ लेके जाएगा, वो है नींद की कमी। आजकल हम पूरा दिन हमें छोटा पड़ता जा रहा है, व्यस्त जीवन शैली में हमें ऐसा लगता है कि नींद का भी समय ये फजूल जाता है, और इसको हटाइए, 2 घंटे हम और कम सोएंगे। कुछ लोग मोबाइल और बाकी सब चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको नींद उड़ जाती है। कुछ लोगों को पार्टी करनी होती है, कुछ लोगों को मित्रों से मिलना होता है, उनको लगता है कि यही समय है। पर मित्रों, जिनको 6 से 8 घंटे की नींद नहीं मिलती, उनसे पूछिए उनके जीवन में क्या सुख है और क्या दुख है, वो खुद ही बताएंगे कि आजकल ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, अनमनापन रहता है, थकान लगती रहती है, और कुछ दिनों से तो मेरा बीपी बढ़ गया है, अब देखिए शुगर को पंख लग रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को हृदय रोग हो गया। सारी चीजों का एक ही उत्तर है, निर्बाध 6 से 8 घंटे की नींद। आप बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सुबह काम पे जाना है, नियम से जाना है। अगर आपके काम का टाइम सुबह 10 बजे है तो आपको रात के 10 बजे तो सोना पड़ेगा, तभी आप सुबह 6 से 7 बजे तक उठ पाएंगे। 2-3 घंटे में अपने को तैयार करके, नाश्ता और बाकी सब चीजों का पोषण करके, कसरत करके आप अपने ऑफिस जा पाएंगे। तो ये नियोजन, ये प्रबंधन आपके जीवन में कहीं ना कहीं नहीं है। इस कारण जो ये नींद की समस्या आ रही है, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख लेकर आ रही है। इसीलिए लंबी 6 से 8 घंटे की नींद, निर्बाध नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जो मोटे होते जा रहे हैं उनकी भी नींद खराब होती है खर्राटों के कारण, और दिन में वो बैठे बैठे सोने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को स्लीप एपनिया की बीमारी हो सकती है, तो उन्होंने अपने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नींद अब निर्बाध आएगी, किसी प्रकार के खर्राटे नहीं आएंगे और हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि आप एक नींद पे निवेश करें। अब बात नींद की हो गई और मोटापे की आ गई, तो मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। आपकी कमर का दायरा बढ़ता जा रहा है। बचपन में एक कहानी सुनते थे एंट और ग्रास हॉपर की। एंट बुरे दिनों के लिए अपने शरीर में, अपने घर में संचय करती रहती थी खाने का, और ग्रास हॉपर मजे करता रहता था। तो मित्रों, सदियों के परिवर्तन के कारण हमारे भारतीय शरीर इस एंट की तरह है। तो जब भी आप कोई भोजन देते हैं तो वो वसा, फैट, कोलेस्ट्रॉल के तौर पे अपने शरीर में संचय करती है, और ये जो शरीर संचय करता है ये कहाँ संचय करता है, विसरल फैट, मतलब पेट के आसपास की चर्बी बढ़ने लगती है। पेट के अंगों के आसपास की चर्बी सबसे ज्यादा खराब होती है,
तो प्राकृतिक तौर पे, आनुवांशिक तौर पे, इस रेशियल तौर पे आपका शरीर कुछ ऐसा है जिसको हम इंडियन फिनोटाइप कहते हैं, वो वहां पे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में मोटापा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये गलत जगह फैट जमा हो जाएगा और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, फिर आगे डायबिटीज होगी, फिर हृदय रोग होगा और बाकी परेशानी आएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम पहला पॉइंट नियमित व्यायाम करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, खान पान का ध्यान रखें, 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद लें, मोटापा नहीं आना चाहिए। और जिनके जीवन में मोटापा आ गया है तो वो जरूरी है कि वो ध्यान रखें कि वो इसको किसी प्रकार से इससे निजात पाने की कोशिश करें, और उसके लिए अगर डॉक्टर की आवश्यकता है तो आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपकी विवेचना करेंगे, अगर कोई हार्मोन की बीमारी नहीं है तो आपको खान पान और जीवन शैली के बारे में सलाह देंगे। कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, पर सबसे मुख्य चीज खान पान का परिवर्तन और जीवन शैली में परिवर्तन है। 6 से 8 घंटे की नींद है और टेंशन तनाव से मुक्ति है, ये सी चीज अगर आप कर लेते हैं तो मोटापा आपके जीवन के आसपास भी नहीं आएगा। क्या होता है कि धूम्रदंडिका का बड़ा ही फैशन होता है और बड़ा ही युवा वर्ग तो आकर्षित हो जाते हैं, और जिनको ये धूम्रदंडिका यानी स्मोकिंग की आदत हो जाती है उनको गाहे बगाहे है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मौका मिले तुरंत ये खाली ऐसा स्थान ढूंढने लगते हैं और बाहर जाके स्मोक करके आते हैं। तो ये जो स्मोकिंग है, जो ये धूम्रदंडिका का सेवन है, इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। इससे आप पी रहे हैं तो आपके आसपास बैठे हुए लोगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी शुगर बढ़ रही है, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। तो ये जो धूम्रदंडिका है इसका जितना आप रसा स्वादन करेंगे, जितने धुएं के छल्ले बनाएंगे, आप मान के चलें कि आपके जीवन की खुशियां उन छल्लों में बैठ के हवा हवा हो रही हैं। तो इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, धूम्रपान नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, हर जगह आपको टीवी में, वीडियोस में बॉलीवुड की सीने तारिकाएं आपको जाम छलकाती हुई दिखती हैं, और शादी ब्याह का तो इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि बिना शराब के तो शादी ब्याह होते ही नहीं। हमने आज तक हमारे समाज में कभी भी शादी ब्याह में दारू चलते हुए नहीं देखी, पर ये जो चलन है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर समाज में आ रहा है। तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम इन गलत बातों को स्टेटस सिंबल बना रहे हैं जो कि हमारे जीवन में दुख ला रहा है। अल्कोहल के बारे में ये कहते हैं कि एक बूंद शराब भी बुरी है। क्या होता है कि जब आप शराब पीते हैं तो आपके लिवर को सहना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला स्थान है वो आपका लिवर है। जो लिवर प्रताड़ित होता है तो वो एसिटिल डिहाइड बना देता है, और एसिटिल डिहाइड डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम बहुत कम मात्रा में लिवर में होता है। तो ये जो एसिटिल डिहाइड है, इससे अगर कोई ऊतक या टिश्यू, जैसे लिवर है, थोड़ा भी अगर उसका टच होता है तो वो हवा हवा हो जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। तो पर ईश्वर ने लिवर को पुनर्जन्म की या पुनर्जीवित होने की क्षमता दी है, पर कब तक? लगातार आप पीते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो लिवर धोखा देगा, और दे भी रहा है। लोगों को फैटी लिवर की बीमारी हो रही है, सरोसिस हो रहा है, लिवर कैंसर हो रहा है। तो शराब जो है मेटाबॉलिक बीमारियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो शराब के बारे में जो स्वीकृति समाज में अभूतपूर्व रूप से आ गई है, उस स्वीकृति को देने वाले हम ही हैं। तो इसको वापस फिर से पहले जैसा लाना होगा। शराब के बारे में आपके विचार खुले हुए नहीं होने चाहिए, शराब के बारे में आपके विचार संकुचित होने चाहिए, और आपको छी छी करना चाहिए। एक जमाना था कि शराब पीने वाले को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, आजकल तो ऐसा हो गया है कि क्या पुरुष क्या महिला, ये तो बिल्कुल सरे आम जाम पे जाम छलकाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख घोल रहा है। तो जो ये चीजें हैं मित्रों, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर खान पान में ऐसा करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस फूड है इस तरह की चीजें कम लें, प्राकृतिक भोजन जो आपके घर पे बनने वाला पारंपरिक भोजन उसको अपनाएं, टेंशन तनाव कम करें, स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर जो है मेटाबॉलिक इलनेसेस का, उस स्ट्रेस है। ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमें हमारे जीवन से अपेक्षाएं बहुत है। क्यों अपेक्षाएं बहुत है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कह रखा है कि बेटा तुझे तो लंदन ही जाना है, तुझे तो अमेरिका ही जाना है, तुझे बड़े पद पे ही आना है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसी स्कृति की एक स्वीकृति कहीं ना कहीं समाज ने ही दी है। तो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे बिल्कुल लग कर मेहनत करने लगते हैं,
फिर नौकरी में आते हैं। नौकरी में आने के बाद उनके बॉसेस रात दिन आपको एक मशीन की तरह काम करवाते हैं, और उनका भी लक्ष्य ये होता है कि इनका ध्यान भटके ना। ऑफिस में जाएंगे तो वहीं खाना पीना होगा, वहीं जिम होगा, वहीं सारी चीज़ें होंगी, और वो चाहेंगे कि बस आप काम करते रहें, और दबाव ऐसा कि कोई सहज नहीं रह पाता और स्वीकार भी नहीं कर पाता, और वो एक एक दबाव का एक कुचक्र है जिसमें आप उलझते जाते हो और तनाव बढ़ता जाता है। तो जो तनाव बढ़ता है तो नींदें उड़ती हैं, तनाव बढ़ता है तो आप लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, तनाव बढ़ता है तो आप उल्टा सीधा खाने पीने लगते हो, तनाव बढ़ता है तो आप शराब और सिगरेट की तरफ जाने लगते हो। इसीलिए मैंने सबसे आखिरी का जो खतरा है उसको सभी खतरों को समाहित करने वाला बताया है। तो ये जो तनाव है, चिंता है, ये चिता के समान है। इसलिए जीवन में अपेक्षाएं कम करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाएं और बिंदास हो जाइए। रमता जोगी की तरह जीवन जीना होगा, क्योंकि अगर तनाव आपके जीवन में आएगा तो आपकी कार्य क्षमता कम होगी, शरीर की क्षमता कम होगी, शरीर आपका बुढ़ा होने लग जाएगा। कोई भी वृद्ध होना नहीं चाहता, सबको चाहिए चिर यौवन और चिरायु जीवन। तो ये कुंजी है, 7 कुंजियां जिसका ध्यान रखिए, आपके जीवन में मधुमेह आपको नहीं घेरेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहला, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, नियमित व्यायाम करिए, अच्छा खान पान करिए जो कि आपका प्राकृतिक और पारंपरिक भोजन होगा, जिसमें फाइबर बहुत होगा, फैट कम होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा, और वो प्रोसेस्ड नहीं होगा, वो बाजार का बनाया हुआ नहीं होगा, आपके घर का बनाया होगा। इसके साथ साथ 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, और 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, मोटापा मत आने दीजिए, शराब और सिगरेट से दूरी बनाइए। इन सब चीजों को अगर आप दूर कर देंगे तो तनाव होने की संभावना कम हो जाएगी, और जीवन को बिंदास जीने का प्रयास करें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।